पैसे कमाते हैं, सरकार उस पर टैक्स काटती है, लेकिन साथ में आपको टैक्स बचाने का भी रास्ता देती है, और यही है सेक्शन 80C। इससे जुड़ी 5 बातें समझ लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपना टैक्स बचा सकें। तो क्या है 80C? 80C वो सेक्शन है जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कीजिए या कुछ ऐसे स्पेसिफिक खर्चे कीजिए और अपने टैक्सेबल इनकम से इस 1.5 लाख को आप घटा दीजिए। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो केवल 8.5 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स देना होगा। अब कैसे मिलती है 80C की छूट? 80C के तहत कुछ निवेश और कुछ खर्चे यानी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर पर आपको ये छूट मिलेगी। निवेश जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, और खर्च जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दें, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स, होम लोन के प्रिंसिपल का पेमेंट, एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन। एक वित्त वर्ष में आप जब इस तरह के खर्चे करेंगे तो 80C की छूट आप ले पाएंगे, लिमिट 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 80C आपके टैक्स पर किस तरह से असर डालता है। अगर आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करते हैं 8.5 लाख रुपए, और इस पर 50,000 का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 8 लाख पर लगेगा टैक्स। 72,500 रुपए प्लस 4% सेस यानी 75,400 रुपए का कुल टैक्स। अब अगर आप इसमें 80C नहीं क्लेम करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 का ले, तो 9.5 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम हो जाएगी और इस पर टैक्स होगा 1,10,864 रुपए। इस टैक्स छूट को पाने के लिए 31 मार्च तक यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको निवेश करना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो ये काम आपको जनवरी के पहले हफ्ते तक कर लेना होगा, क्योंकि कंपनियां हर साल जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने को कहती हैं, और इसकी वजह है कि वित्त वर्ष के बाकी 3 महीने TDS काटने का ऑप्शन खुला रहता है। इन इन्वेस्टमेंट के प्रूफ आपके पास होना जरूरी है, हालांकि इन्हें आपको कहीं सबमिट नहीं करना है, इसे बस आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, और इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये कोई प्रूफ आपको दिखाना नहीं होता, कोई पेपर सबमिट नहीं करना होता, लेकिन जरूरी है कि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं अगर आप 80C का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो। इनकम टैक्स का सेक्शन 80CCD यूं बचाएगा आपका टैक्स, कैसे मैं बताती हूँ। इस सेक्शन के जरिए सरकार उन लोगों को टैक्स छूट देती है जो अपनी पेंशन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आप रिटायरमेंट के लिए पेंशन स्कीम में पैसे लगाइए और टैक्स छूट पाइए, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स। एनपीएस के जरिए पेंशन अकाउंट आपको खोलना होगा और टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगी। एनपीएस सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की निवेश स्कीम है। इसमें नौकरी के दौरान आप निवेश करते रहिएगा, जब आप 60 साल के होंगे तो आप इस पैसे का 60% निकालेंगे और बाकी बचे पैसे आपको एन्युटी बेनिफिट की तरह यानी पेंशन की तरह मिलेगी। सेक्शन 80CCD के तहत 3 छूट मिलती है। सबसे पहले 80CCD 1, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 10% तक और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति भी कर सकता है इसमें निवेश, कुल इनकम का 20% तक पेंशन अकाउंट में जमा करके टैक्स छूट ले सकता है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। अटल पेंशन योजना भी 80CCD 1 में ही शामिल है, और ये जो 1.5 लाख की छूट है ये 80C के तहत आपको मिलेगी। अब NPS में आपको 2 एडिशनल फायदे मिलते हैं। 80C के तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो 1.5 लाख अगर वहां एग्जॉस्ट हो जाए तो आप अलग से 80CCD 1B के तहत फायदा उठा सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ही अपनी तरफ से NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर एडिशनल टैक्स छूट ले सकते हैं 50,000 रुपए की। यानी 80C अगर एग्जॉस्ट हो गया तो 80CCD 1B आपकी मदद करेगा। NPS अकाउंट में एम्प्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है उस पर भी आपको छूट मिल सकती है 80CCD 2 के तहत। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी के 10% तक ही हो सकता है। कौन उठा सकता है फायदा? नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 साल से 60 साल तक का कोई भी नौकरी पेशा जुड़ सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करके फायदा ले सकते हैं। पहले ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही था, लेकिन 2009 से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए भी ये स्कीम खोल दी गई है। किसी भी नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बैंक ब्रांच में जाकर आप अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं और टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
न्यू बचेगा टैक्स में आज समझते हैं कि सेक्शन 80E आपका टैक्स कैसे बचाता है। वैसे टैक्स बचाने में ये है बड़ा काम का सेक्शन, क्योंकि इसके हैं चार हिस्से, 80E, 80EE, 80EEA और 80EEB। तो सबसे पहले बात सेक्शन 80E की। इस सेक्शन के जरिए एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर आपको छूट मिलती है। टैक्स पेयर्स अगर खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका फायदा इंटरेस्ट रीपेमेंट के शुरू होने के 8 साल बाद तक उठाया जा सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी लोन पर जितना इंटरेस्ट होगा उतनी छूट आप क्लेम कर सकते हैं। अब समझते हैं 80EE से कैसे फायदा मिलेगा। अगर आपने होम लोन लिया है, EMI अदा कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रीपेमेंट पर आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। इसे आप सेक्शन 24B से कंफ्यूज नहीं कीजिए। सेक्शन 24B हमें 2 लाख की छूट देता है इंटरेस्ट पेमेंट पर, लेकिन सेक्शन 80EE आपको एडिशनल छूट दे रहा है 50,000 की। लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब घर की कीमत 50 लाख या इससे कम हो, लोन की रकम 35 लाख से कम हो, पहला घर हो और ये लोन आपने 2016-17 में लिया हो। सेक्शन 80EE का फायदा भी तभी आपको मिलेगा जब आपने जो घर खरीदा है वो अफोर्डेबल घर की कैटेगरी में आता हो, यानी उसकी कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये टैक्स पेयर का पहला घर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वित्त वर्ष 2019-20 में होम लोन के लिए इंटरेस्ट पेमेंट आप 2 लाख से ज्यादा अदा करेंगे तो सेक्शन 80EEA आपको एडिशनल 1.5 लाख की छूट दिलवाएगा, लेकिन कंडीशन ये कि घर अफोर्डेबल कैटेगरी में हो। अब बात करते हैं सेक्शन 80EEB के बारे में। इसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को तवज्जो दे रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इंटरेस्ट में 1.5 लाख तक की छूट का ऐलान किया था। इस छूट की घोषणा सेक्शन 80EEB के तहत की गई थी। इसके लिए आपका व्हीकल लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना जरूरी है और जो लोन 1 अप्रैल 2019 के बाद जारी किए गए होंगे उस पर इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है। न्यू बचेगा टैक्स में समझिए कि कैसे सेविंग बैंक पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर छूट मिलती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग बैंक अकाउंट पर 10,000 तक के ब्याज को आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के बैलेंस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स अदा करना होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट अगर 10,000 या इससे कम है तो इस पूरे अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे आप बतौर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा बैंक में आपका अकाउंट है तो दोनों बैंकों के ब्याज को मिलाकर 10,000 की ही छूट मिलेगी। यानी मान लीजिए बैंक ए से आपको अपने सेविंग अकाउंट में 4,000 रुपए का ब्याज मिलता है, बैंक बी से आपको 8,000 का ब्याज मिलता है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे, कुल 12,000 का ब्याज हुआ। इसमें से 10,000 का आप सीधा डिडक्शन क्लेम करेंगे, बाकी 2,000 को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना ही होगा। इसी का एक्सटेंशन है सेक्शन 80TTB, जिसमें सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है और इसकी लिमिट भी ज्यादा है। सीनियर सिटीजन 50,000 तक की छूट ब्याज की कमाई पर क्लेम कर सकते हैं और उनके लिए ब्याज केवल सेविंग बैंक का ही नहीं होगा बल्कि हर तरह के डिपॉजिट पे भी जो ब्याज उन्हें मिलता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये छूट उन्हें मिलेगी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट पर। अगर हाँ, आपने किसी कंपनी के फिक्स डिपॉजिट या डिबेंचर में निवेश किया है तो आपको ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रहे और 80TTA और 80TTB का फायदा उठाना ना भूलें। टैक्स बचाना है तो बहुत जरूरी है कि आप इनकम टैक्स के अलग अलग सेक्शंस को अच्छी तरह से समझें, तभी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि 80C के जरिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको मिलती है, लेकिन 80C के अलावा आपको टैक्स बचाने में मदद करता है 80D भी। और आज समझते हैं क्या है 80D का डिडक्शन। 80C में आप जब प्योर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो छूट मिलती है, लेकिन 80D में जब आप मेडिकल यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन यानी कि आप इस पेमेंट के एवज में अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। तो कितनी छूट दिलाता है 80D? 3 लेवल्स पर आपको छूट मिलती है। पहले 25,000 रुपए की छूट मिलेगी अगर आप खुद के लिए, अपनी पति या पत्नी के लिए या अपने डिपेंडेंट बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा करते हैं तो 25,000 की छूट आप क्लेम कर सकते हैं 25,000 तक के पेमेंट पर। अब 25,000 रुपए की डिडक्शन में आप और 25,000 रुपए ऐड कर सकते हैं अगर
आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कुल छूट 50,000। अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ज्यादा है यानी सीनियर सिटीजन है, तो आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, यानी खुद के प्रीमियम पेमेंट पर आप 25,000 की छूट लेंगे और प्लस सीनियर सिटीजन के पेरेंट्स के प्रीमियम पेमेंट पर 50,000 और छूट लेंगे। कुल 75,000 रुपए की छूट आपको ATD दिलवाएगा। ATD के तहत 5,000 का डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी ले सकते हैं, यानी अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं या फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे तो इस खर्चे पर आपको छूट मिल सकती है, लेकिन ये 25,000 के लिमिट में ही शामिल है, यानी प्रीमियम पेमेंट में आप 20,000 जो है वो प्रीमियम की तरफ जाएगा, 5,000 आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के छूट क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे आप प्रीमियम अदा कर रहे हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कर रहे हो, खर्चा कैश में ना करें, पेमेंट चेक, कार्ड या ऑनलाइन ही होनी चाहिए। भाई बहन के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करने पर छूट नहीं मिलेगी। कंपनी की दी गई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर आपको ATD की छूट नहीं मिलती है, और अगर सीनियर सिटीजन है, इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके मेडिकल खर्चों को भी ATD कवर करता है। 50,000 तक की छूट क्लेम की जा सकती है, खुद सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं या फिर उनके बच्चे भी अगर चाहें तो ATD में इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करके उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा जो है वो क्लेम कर सकते हैं।